नमस्कार, स्वागत है आपका एस एन सेवन न्यूज में। आपको बताते चले, मवी कला में जो बागपत में गांव पड़ता है उसके मंदिर के पास जो रोड बनाई जा रही है वहां पर काफी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जैसे ही एस एन सेवन टीम वहां पर पहुंची तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आपको दिखा दो, ये रास्ता आप सीधा देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्या बताएंगे, ये सीधे कितने घट्टे हैं, यहाँ पर वो भागते हैं, उनको गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। हमारे साथ वो बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या, वास्तव में किसी दिक्कत और समस्या उनके साथ बनी हुई है। बहुत ज़्यादा समस्या है बच्चों को भी और आम किसान आदमी को भी। और कावड़ संघ का रास्ता है, ये मेन रास्ता है, जगह जगह भंडारे लगते हैं यहाँ, और बिल्कुल भी सड़क पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा। अच्छा, बिल्कुल भी माल नहीं गिर रहे, और हल्का माल गिर रहे, और कुछ भी नहीं हो रहा है इस रास्ते में। ठेकेदार ब्रह्मपाल ब्रह्मपाल है, चिट्टा का भाई, वो ठेकेदार है ब्रह्मपाल। आप शिकायत की उससे, कई बार उसे कहा जब हमें कई बार मिलेगा ठेकेदार ठीक माल गिरवा दो। कावड़ का आम रास्ता है, किसान के मिल में जाने का आम रास्ता है, और बच्चों के दौड़ने का आम रास्ता है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही इस पर। यही मार पड़ा, देखो टूटा फूटा जैसे भी, और पीछे देखो अधिकारी लोग, उसे कहना यही रिक्वेस्ट है हमारी कि अच्छा मार पड़े और अच्छा रास्ता बने हमारा, यही सब बंद कर, नहीं तो बंद कर दो। इस तरह ये जज्जर है जो, यही ठीक है हमारा, ठीक है सर। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। साफ कहना है कि आरोप लगा रहे हैं ठेकेदार पर, ठेकेदार यहाँ पर धंधेबाजी कर रहा है, मर्जी का माल उसमें डाल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सड़क बनने से पहले अब अधिकारी यहाँ पर आए, जांच करें कि ठेकेदार वास्तव में किस तरह से यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। वही दूसरी ओर ठेकेदार ब्रह्मपाल ने इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो मानक के अनुसार मानक सड़क बनाई जाती है उसी को लेकर वो काम कर रहे हैं और उसी के आधार पर वो सड़क बना रहे हैं, तो उन्हें किसी अधिकारी का या किसी का भी कोई डर नहीं, चाहे तो कोई भी आकर जांच कर सकता है। जी अभी भी आपने देखा, हमने आपको दिखाया कुछ बच्चे यहाँ पर जो बोल रहे थे कि सड़क में बेकार माल डाला जा रहा है, बहुत बुरी तरह से सड़क बनाई जा रही है। वहीं ठेकेदार हमारे पास पहुँच चुके हैं, हम उनसे जानेंगे और हमने देखे दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो सड़क बनाई जा रही है। मेरा नाम ब्रह्मपाल है। ये हमें मानक के अनुसार जो सड़क है उससे भी हम ज़्यादा अच्छी बना रहे हैं सड़क। ये हमारा 2 सेंटीमीटर का मानक होता है पीसी का, मौके पे हमने दो से फालतू ले रहे हैं इसे, कोई भी नाप सकता है। मैं सड़क को अधिकारी भी जांच करते हैं, हाँ एसडीएम भी आया, जई भी आया, अभी ऐसे गया, एक्शन भी आता है, लड़की एससी भी आया मेरठ से, तो सब अधिकारी, हमें कोई किसी चीज़ का डर नहीं है, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं हम। हाँ हमारा बिल्डिंग का चल रहा है वहाँ पर पूरा माल देगा, हाँ, और अभी हम सड़क बना के हम आपको दिखाना है। क्या वजह है? वही ये सड़क परेश की बन जाए, मैं परेश की सड़क नहीं बन सकता, फिर भी मैं अपने गांव के हिसाब से, ये गवांड के हिसाब से सड़क को बढ़िया बनाऊंगा, जो इसमें डबक है उसे भी मैं निकाल दूंगा, और पूरी मैं घर से तो मैं दे नहीं सकता अपने। आपने देखा ब्रह्मपाल जी ने साफ कर दिया है कि उनके उनके गांव का ही मामला है, अपने गांव की, उनके गांव की सड़क है, तो वो और अच्छा लेके सड़क को चल रहे हैं, और अब और मैं आपको बता दूं कि उनको और भी निर्माण कार्य यहां पर चल रहे हैं, तो किसी में भी कमी नहीं पाई गई और सड़क को भी यहां पर पास कर दिया गया है। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, आई एस 7। ब्रह्मपाल ठेकेदार अपने क्षेत्रवासियों को अपने इस शिवरात्रि की शुभकामना देता हूँ और अच्छा।